असल होप होपफुली सब ठीक ठाक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कल वाला जो ब्लॉग आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं काफ़ी देर बाद इस लाइजे में बात कर रही थी मैं बोल चुकी थी कि आप सब मुझे इसी तरह पसंद करते हैं ये देखें मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड को मिला है इनकी बर्थडे थी ना तो जहाँ पे ये काम करते हैं ना उन्होंने इनको कार्ड दिया है अमेजोन का और इसके अंदर तकरीबन फिफ्टी यूरो हैं पचास सौ रुपये तो अब अमेज़ोन से हम कुछ खरीद सकते हैं इसके अलावा हम किसी से भी कोई और चीज़ नहीं खरीद सकते तो अब मुझ पर वाजब है कि मैं हस्बैंड के जो कार्ड मिला है ना उसको अपने आप पर यूज़ करूँ कुछ मंगवाऊँ अमेज़ोन से तो मैं ट्राई करूँगी कि मैंने क्या मंगवाती हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट से लाने वाली थी प्याज मैंने ख़त्म हो गए हुए थे आलू भी खत्म हो गए हुए थे केले तो ख़त्म हो ही गए हुए थे और खुशबू भी जो मार्केट से लाती है ना मशीन में डालने वाली वो भी खत्म थी और ये जो मतलब जमीन साफ़ करने वाला फ्लोर साफ़ करने वाला मतलब लोशन था ना ये भी थोड़ा सा ख़त्म होने वाला था मैंने कहा ले आती हूँ नया ले लेती हूँ फिर में क्या मार्केट में दोबारा चक्कर लगाना ये चीज़ मैं भूल गई हूँ जी अदरक लहसन का पेस्ट लाने के लिए अदरक लहसन लाना था वो भूल चुकी हूँ काजू खत्म हो गए थे मेरे वो भी ख़त्म हो गए थे अखरोट भी वो भी लाने थे तो अखरोट भूल गई हूँ और काजू जो है ना वो ले आई हूँ क्योंकि अखरोट जो है ना वो हस्बैंड डालते हैं तो मुझे इतनी फिक्र उसकी नहीं थी <laughs> ऐसी भी कोई बात नहीं है फिक्र तो थी और ये देखिए बच्चों वाली ब्रोट भी खत्म हो गई थी कोका हमारी जो बड़ी है ना वो जब एक दफ़ा खुलती है ना तो बाद में उसको पीने का दिल नहीं करता वो मीठी हो जाती है मीठा पानी बन जाती है फिर इसलिए हम लोग ना छोटे कोका लाते हैं और जब मैं बाहर निकलती हूँ ना घर से तो कोका वगैरह ले लेती हूँ साथ अपने अपने कोक जी ठीक है बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोका करें जी कोक कोका एक चीज़ है कोई मसला नहीं इतना खास इतनी डीपली ना जाया करें आप यह लाल चिकन ले आई हूँ साथ में ये अंगूर थे दो ऑयल की बोतल लेके हूँ चिप्स वगैरह बनाने के लिए पकौड़े वगैरह तलने के लिए और साथ ये एक और नई छुरी लेके हूँ खरबूजे मार्केट में बड़े अच्छे किस्म के लगे हुए थे हनीश मिलोन कहते हैं और बीच में से फीपके नहीं खाते हैं लेकिन हनीश मिलोन पर हम लोग ले आए हैं और बच्चों के लिए ये जूसेस वगैरह लेके आए हैं पहली दफ़ा लेके आई हूँ ये जूसेस देखती हूँ कैसे निकलते हैं क्योंकि मुझे इसका जायका बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता देखने में आ, मतलब मुझे माल्टे का जूस नहीं है पसंद फ्रेश के अलावा साथ में हस्बैंड की डेडबूल है ओए मैं अदरक भी लेके आई हुई अच्छा फिर हस्बैंड ले आए थे बाद में जाके साथ में वाफल्स लेके आए हैं और वाह बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाली जो ब्रोट है ना हनी वाली ये नहीं इतनी पसंद है साथ में योगर्ट था और बोतलें थी मे, वाटर मेलन था जी हमने कहा जाती बाहर का वाटर मेलन जो है ना वो खा लेते हैं अच्छा लगा हुआ था दस रुपये का एक था तो बहरहाल जब हस्बैंड हद, हद, कह रहे थे मीठा है ले लो मैंने कहा चलिए ठीक है फिर लास्ट दफ़ा ट्राई कर लेते हैं ये देखें और साथ में मैंने अपने लिए जैम लाया था और ये हस्बैंड का वही जो जूस में डालती हूँ मैं पीनट का पेस्ट है साथ में ये जो है ना कपड़ों को वाइट करता है और साथ में घर का गंद वगैरह उतार देता है सारे जरा से मार देता है दे। बच्चों के पेम्पर थे डव साबन था नहाने वाला और उसके अलावा ये सारी शॉपिंग थी साथ में टिश्यूज थे नोजी वगैरह साफ़ करने वाले ये सारी शॉपिंग थी कैचअप थी दो किस्म की और मतलब पास्ते वाली कैचअप थी और दूसरी कैचअप थी साथ में एक और कॉम थी साथ में एलोफोलिया था बस ये हो गई हमारी शॉपिंग मुकम्मल ये सारी शॉपिंग मैंने को फ्रेंड से की है ना पचास रुपए बने थे और बस ये शॉपिंग खत्म मतलब लेती हूं मैं। तो को मेरे लिए और ये हो सारी और अंडे भी लाई थी साथ में यार मुझे याद नहीं रहा और फिजा के लिए ना साथ में एक मैं स्प्रेड भी लेके आई थी ताकि दूध सोडा बना सकूँ कितने साल हो गया दूध सोडा नहीं मैंने बना के पिया मैंने कहा दूध सोडा बना के पीवांगी दूध डालूंगी बीच में फिर स्प्रेड डालूंगी और फिर नमक डालूंगी चीनी डालूंगी और पीऊंगी और बच्चों को भी दूंगी भला वो कैसा महसूस करते हैं तो बस साथ में जूसेस भी लेके आई थी बच्चों के लिए अमरूद के जूस लगे हुए थे बड़े मजे के और फिर वो मुझे बड़े पसंद भी है मैं एक गिलास तो पी लेती हूँ बाकी सारा बच्चे पीते हैं साथ में एप्पल वाला जूस भी है और ये देखें बाहर कितना प्यारा मौसम बना हुआ है मैंने धो के डाली हुई है वो जो ईसा और फजर की है जिसके ऊपर खेलते हैं इसके ऊपर ना इन्होंने जूस गिरा दिया था तो मैंने फिर मैंने सोचा इसको फटाफट से दो देती हूँ और वो देखें बच्चे आ गए हैं ऊपर से नीचे गाड़ी पार्किंग वगैरह पे लगा के हस्बैंड भी आ गया लैंड से आई जानते बच्चे मेरा बैग गाड़ी में रह गया था सारी चीजें मैं ही लेके आई हूं अंदर नहीं हस्बैंड उतार के चले गए थे अंदर फिर गाड़ी पार्किंग करने के लिए गई थी आपको पता है कितना बड़ा हादसा हुआ है पाकिस्तान में यार मैं सुन के दंग रहा कहीं मैं पता नहीं कितने दिनों का वाक्य आया हुआ था तो मैंने देखा ही नहीं तो देखा तो मैंने आज है तो मेरा हैरान रह गई आपको पता है समड़ियाल में क्या हुआ है? जिस शहर में मैं रहती हूँ उसी शहर में हादसा हुआ है मीन्स के जहां पे मेरे ससुराल वाले हैं आपको पता है मेरे ख्याल से सबको पता होगा अगर नहीं पता ना तो आप देखें यार आंखें खुली की खुली रह गई दिल फटे का फटाई रह गया मैं हैरान रह गई मैं सोच नहीं सकती कि कभी सुनने में नहीं आया इस तरह का इतना बड़ा हादसा मैंने देखा है सुना है और आप देखें टेरा ना के अंदर औरत को काट के डाला हुआ है उसके पेट में से बच्चा निकाल लिया वो भी छः माह का वो भी सांसें ले रहा था उस कैसी औरत है साठ साल की उसका कैसा जिगरा है उसने औरत को पहले नीचे से ऊपर आई है उसको लेके और आते ही उसको गोलियां पिलाई हैं नशे की और उसके बाद फिर वो नशे की गोलियां मतलब शरबत में डाल के पिला दी वो तरफ रही थी उसका गला काटा फिर तरफ उसकी पूरी जान नहीं निकली तो उसकी बैली को फाड़ दिया छुरी से और उसका बच्चा भी निकाल लिया तो उसको जिंदा या मुर्दा उसको कोई परवाह नहीं थी उसने बस मुर्दा बच्चा लेना था अपनी बेटी को बचाने के लिए जो उसके ससुराल वाले उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर करता था कि बच्चा 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 तो बच्चे की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया कहती है मैं मनते मांगती थी मैं ये करती थी मैं वो करती थी मेरा बच्चा नहीं मेरी बेटी का हुआ तो मेरी बेटी ने दो लाख देने का वादा किया हुआ था इस औरत को तो जो मतलब जिसका साथ इन्होंने जिसको जिसका कत्ल किया ना उसको दो लाख नहीं था देना उसकी सेली को देना था कि तू अपनी सेली को जो है ना इस तरह फसा ऊपर लेके आ नीचे वाली किराएदार वाली नीचे भी किराएदार रहते थे ऊपर भी किराएदार रहते थे तो नीचे वाले किराएदार है ना ऊपर वाले किराएदार के घर पे आए थे मुझे लगता है ये वाक्या कहीं से भी नहीं छुपा हुआ हर एक को पता चल गया इस बारे में मुझे मजीद बताने की जरूरत नहीं है आप सोचे कितनी दर्दनाक वाक्या है और ये उ... और ये औरत कितनी दरिंदगी वाली हरकत की है इसने इसको ज़रा शर्म ना आई अब बेटी भी जेल में है ख़ुद भी जेल में है अब रोती है लोगों को पुलिस को और जो मीडिया वाले लोग जाते हैं उनको रो रो के दिखाती है ड्रामे कर कर के दिखाती कहती मेरी आंखों के आगे पर्दा आ गया था मैं जिश्तान मेरे में हाज़िर हो गया था मैंने इसलिए इस तरह की हरकत कर बैठी और वो ट्रंक जो है ना जिसके अंदर औरत को काट के रखा था उसको इंजेक्शन पता नहीं किस किस्म के लगाती रही हैं और उसको ना इस मतलब ज़िबा करने के बाद उसका खून जो है ना वो सारा फैल ना जाए मतलब लोगों तक मतलब गली तक ना निकल जाए उसको पहले ड्रिप पे लगा के उसका सारा खून छोड़ती रही हैं इस कदर दरिंदगी इस कदर जालिमाना हरकत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोची आजकल इतने इतने गंदे और बुरे हालात है ना बहन बहन को काट रही है दोस्त दोस्त को काट रही है दोस्त दोस्त को काट रहा है मतलब कि इतनी दरिंदगी हो चुकी है मैंने कभी भी इस तरह के हाल से पहले किसी और मुल्क से पता नहीं क्यों नहीं इस तरह की खबरें आती है अल्लाह रहा हम करे हमारे मुल्क में ही पता नहीं क्या हो गया है हर एक बंदा दूसरे बंदे को खा रहा है माँ बेटे को खा रही है माँ का फेयर चल रहा है किसी के साथ और बेटा माँ को कतल कर रहा है बीवी का फेयर चल रहा है हस्बैंड के साथ और एक जगह तो ऐसा हुआ है कि दुल्हन ने दुल्हन दुल्हा दुल्हन दोनों को किसी ने मार डाला पहले रात को इस कदर पता नहीं क्या हो गया हमें किस कदर हम लोग दरिंदगी का शिकार हो गए हुए हैं और करने के बाद होश आती है फिर माफ़िया मांगते हैं पुलिस वालों से माँ बाप से और जो मतलब जिनका कत्ल हुआ होता है उनके घर वालों से तो फिर माफ़िया मांगने का क्या फ़ायदा और भागने की मजीद कोशिश करते हैं फिर भागते नहीं है बचते नहीं है अपनी तरफ से कहते हैं कि हम लोग बच जाएंगे माल के लेकिन ऐसा नहीं होता पाकिस्तान की पुलिस इतनी तेज़ है ना मैं कहती हूँ कि बंदे को जहां से मर्जी उठा ले और निकाल ले वो माफ़ नहीं करते अगर पता चल जाए तो यार ये मेरे ससुराल वाली साइड का वाक्य है मैं हैरान हूँ मैं अपनी खाला को कॉल की मेरी खाला भी उधर के रहने वाली है तो खाला को तो इस चीज़ का कोई पता ही नहीं है आपको पता है मतलब जहां पे ट्रेन जाती है ना ट्रेन के बॉर्डर के पास ही मतलब ट्रेन स्टेशन के पास ही ये वाक्य हुआ है मुझे लगा था आप सब मुझे कमेंट में ये सारी बातें बताओगे क्योंकि जब मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि हमारे घर वालों के साथ किस तरह का हादसा हुआ था तो आप सबको पता होगा आप नीचे कमेंट में बताओगे लेकिन आप में से किसी को शायद उस बात का नहीं बता ये वाली जो खबरें चल रही हैं हस्बैंड को मैंने बताया तो वो कह रहे हैं ये तो अजल से चलता आ रहा है सब कुछ तो मैंने कहा क्यों फिर पापा पहले तो मैंने इस तरह कभी कुछ नहीं सुना कहते हैं पहले मीडिया का दौर नहीं था सोशल मीडिया कम था तो अब तो थोड़ा सा काम होता है तो हर तरफ बात धूम जाती है पहले भी सब कुछ होता था लेकिन अब हम लोगों में इन चीज़ों को देख देख के ना अवेयरनेस ज़्यादा आ चुकी है हम लोग कहते हैं कि फलाने के साथ इस तरह हुआ था फ़लाने के साथ इस तरह हुआ था भाई ये क्या मामला है हम लोग अब बच्चे हैं हम लोग कोशिश करें कि हम लोग इन लोगों के हथे में ना चढ़ें मैंने पर्दे उतारे हुए थे अपने धोने के लिए और बच्चे जो है आने वाले हैं उन्होंने कहा था हम लोगों ने सवैयाँ खानी है दूध वाली मैं वो बना रही थी साथ में बना रही थी कालियाँ तोड़ियाँ ठीक है जिसको कहते हैं जी जीजकूनी ठीक है और ये मैंने बनाई है सवैया रेडी हो गई ये मोहम्मद अली की फिर मैच बनी है उसको बड़ी पसंद है तो जब वो एक दफ़ा कह देते हैं ना मामा मैंने खानी है तो पता नहीं मेरे दिल को के बेजनी होने लग पड़ती है जब भी मेरा कोई बच्चा कहता है मामा हमने ये खानी है मटाल मटोल कर ही नहीं पाती मैं बहाने लगा ही नहीं पाती मैं फटाफट बना के उनके आगे रख देती हूँ मैं कहती हूँ चलो जी मेरे बच्चों ने मांगा तो मैं मतलब देती हूँ और मुझे खुशी होती है फिर इस तरह मतलब बहाने करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलती मैं थकी ही थी लेकिन मैंने फिर भी कहा नहीं कोई बात नहीं मैं बना देती हूँ अली बस सबर करो पाँच मिनट तक बन जाएगी तो ये बन के रेडी हो चुकी है फजर ने भी खाई ईसा ने भी खाई मोहम्मद अली फिता ने भी खाई और मैंने नहीं खाई मैंने कहा मीठा खा के क्या करना है कुछ अच्छा सा खा लेती हूँ वैसे भी इतना ज़्यादा वजन बना के क्या करना है ऊपर से बाद में तकलीफ ही होती है खुद से बंदा उठा नहीं जाता है मैंने आते को ना इस तरह ही देती हूँ दो मिनट के लिए मैं ऐसे ऐसे गोल मोल करके रख देती हूँ कुचोल मचोल के और बाद में फिर इसको मैं अच्छे तरीके से गूंध देती हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है